अकड़ते अकड़ते एक दिन अकड़ ही गया वो। अहम किस बात का साहब, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर मां कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, प्रखंड पंडित, महाशक्तिशाली, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव रचयिता, लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। मैं अहंकार, अहम, इसने तो किसी को भी नहीं बख्शा। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखिए, भले ही कोई आपको गिनती में ना ले, पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाए उसकी कीमत जरूर बदल देंगे। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता है, सेहत महंगी है। 100 कामों को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, और 1,00,00,000 काम छोड़कर ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल चाहे कितनी भी समझदारी से कर लें, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के हिसाब से ही उसका मतलब निकालेगा। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, लेकिन निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए ही लेने चाहिए। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हर एक की पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती ना। ज्यादा सलाहों को देने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जिन रिश्तों में खामोशी ज्यादा होती है वो रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। अगर आपके कर्म और भावनाएं सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात से कभी भी डरना मत। वो अपना कर्म कर रहे हैं और हमें अपना कर्म करना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं लगती, जिंदगी में किसी अच्छे इंसान का होना भी कोई लॉटरी से कम नहीं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन था। क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाए उन्हें पता ही नहीं चलता। कर्मों का लिखा हर हाल में हर किसी को भोगना ही पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। शांत रहना एक कला है, और जो भी इस कला को जानता है वो इस जग में रहना और जग जीतना जानता है। अगर आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर ढूंढने
या किसी से उत्तर पूछने से पहले उस प्रश्न को समझो, क्योंकि प्रश्न अपना उत्तर साथ लिए होता है। कोई आएगा और हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। इस इंतजार में रहने से बेहतर है स्वयं ही आगे बढ़ा जाए। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल व दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट व जुबान को काबू में रखें। और जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा करें, फिर आप देखेंगे कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में ही नहीं होते, बल्कि आपके जीवन में भी होते हैं। समस्याएं और कष्ट व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। डर आपको बहादुर बनाता है और क्रोध आपको कमजोर बनाता है। ये जीवन तो यूं ही चलता रहेगा। सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।